उन्नाव जनपद के दो बच्चों ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। बच्चों की ओर से बताया गया कि उन्नाव में कोरोना काल के समय उनके पिता और सरकारी कर्मचारी की कोविड के चलते मौत हो गई थी। कोविड से ही पीड़ित उनकी माता की भी मौत हो गई। तकरीबन 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी उसी सरकारी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। मृतक कर्मी का एक बेटा और एक बेटी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और सीएम से मदद की गुहार लगाई। मेरा नाम विराट मिश्रा, ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम परी मिश्रा है। हम लोग उन्नाव बीगापुर में रहते हैं और मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, उनकी मृत्यु के बाद हमारे पास उनकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही है। हमारी पढ़ाई लिखाई में बाधा आई और हम लोग कोई खर्चा भी नहीं चल रहा है। हमारी मुख्यमंत्री योगी जी से ये निवेदन है कि जिस बाबू ने हमारी पेंशन रोक के रखी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू हो सके। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ उन्होंने कलेक्ट्रेट में तैनात बाबू पर गंभीर आरोप लगाए। यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उन्नाव मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बीघापुर के रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी की कोरोना काल के दौरान मौत हो गई थी। कोविड के चलते हुई मौत के कुछ ही दिनों बाद पत्नी की भी मौत हो गई और दोनों बच्चे अनाथ हो गए, जिसके बाद इतना समय गुजर जाने पर भी अभी तक उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। परेशान अनाथ बच्चों ने वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। वायरल वीडियो में बच्चे ने अपना नाम विराट मिश्रा और बहन का नाम परी मिश्रा बताया है। मेरा नाम विराट मिश्रा, ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम परी मिश्रा है। हम लोग उन्नाव बीघापुर में रहते हैं और मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, उनकी मृत्यु के बाद हमारे पास उनकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही है। विराट ने बताया कि उनके पिता बीघापुर में सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मौत के बाद परिवार में सिर्फ विराट और उनकी बहन ही है और इस समय दोनों के पास खाने का संकट तक बना हुआ है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम विराट मिश्रा, ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम परी मिश्रा है। हम लोग उन्नाव बीघापुर में रहते हैं और मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, उनकी मृत्यु के बाद हमारे पास उनकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही है। हमारी पढ़ाई लिखाई में बाधा आई और हम लोग कोई खर्चा भी नहीं चल रहा है। हमारी मुख्यमंत्री योगी जी से ये निवेदन है कि जिस बाबू ने हमारी पेंशन रोक के रखी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू हो सके। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।